नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्निंग सिविल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 25 जून 2020 के टॉप 10 करेंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और ऐसे ही रेगुलर करेंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹11 ट्रिलियन? कौन सी भारतीय कंपनी 11 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए इंफोसिस, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी टाटा पावर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। RIL बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹11 ट्रिलियन एज द कंपनी वैल्यूड ₹11.15 ट्रिलियन। द कंपनीज शेयर डबल सिंस मिड मार्च 2020। RIL भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 11 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंच बनाई है। इस कंपनी के शेयर्स मिड मार्च 2020 से दोगुने हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज इफ्टास? निम्नलिखित में से किसको इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज इफ्टास का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए आर मनोहर, ऑप्शन बी सतीश कुमार ओझा, ऑप्शन सी मोहित अय्यर, ऑप्शन डी टी रविशंकर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी टी रविशंकर। इफ्टास इज अ होली ओन सब्सिडियरी ऑफ RBI एंड इट ऑल्सो अपॉइंट्स डॉक्टर एन राजेंद्रन एज द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ्टास भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है जिसने हाल ही में डॉक्टर एन राजेंद्रन को अपने CEO के तौर पर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री विल सेट अप अ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इन हांगकांग टू एडमिनिस्टर अ न्यू लॉ एम्ड एट क्रैकिंग डाउन ऑन डिसेंट? कौन सा देश हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी स्थापित करेगी ताकि असंतोष पर टूटने के उद्देश्य से एक नया कानून बनाया जा सके? ऑप्शन ए US, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी चाइना। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द इकोनॉमिक विंग ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, COVID-19 पेंडेमिक इज लाइकली टू डाउन इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 2021 बाय हाउ मच? SBI के इकोनॉमिक विंग की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 महामारी के वजह से वित्त वर्ष 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय में कितनी कमी आएगी? ऑप्शन ए 2.1%, ऑप्शन बी 3.4%, ऑप्शन सी 4.8%, ऑप्शन डी 5.4%। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 5.4%। इट विल डिक्रीज टू ₹1.43 लाख फ्रॉम ₹1.52 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2020। वित्त वर्ष 2020 में 1.52 लाख रुपए के मुकाबले अगले साल ये घटकर 1.43 लाख रुपये होने की आशंका है। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड युक्ति यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? युक्ति जिसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसको हाल ही में निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट श्री रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च्ड युक्ति 2.0 टू हेल्प सिस्टमेटिकली एसिमिलेट टेक्नोलॉजीज हैविंग कॉमर्शियल पोटेंशियल एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स इन आवर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक रूप से संभावित स्टार्टअप से संबंधित व्यवसायिक क्षमता और सूचनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल विडोज़ डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल विडोज़ डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 23 जून, ऑप्शन डी 24 जून। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 23 जून। द डे इज़ वाइडली नोन टू ड्रॉ अटेंशन टू द वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द विडोज एंड टू गैल्वेनाइज द यूनिक सपोर्ट दैट दे हैव। द लुम्बा फाउंडेशन इनिशिएटेड द इंटरनेशनल विडोज डे इन 2005।
ये दिन विधवाओं की आवाज़ों और अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनके पास मौजूद अद्वितीय समर्थन को गैल्वेनाइज करने के लिए मनाया जाता है। लुम्बा फाउंडेशन ने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव फॉर नाविक GPS सैटेलाइट्स। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नाविक GPS उपग्रहों के लिए भारतीय रिसीवर चिप ध्रुव को विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIC बेंगलोर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे हैज़ डेवलप्ड अ होम ग्रोन रिसीवर चिप ध्रुव दैट कैन बी यूज्ड इन स्मार्टफोन्स एंड नेविगेशन डिवाइसेस टू फाइंड लोकेशन एंड रूट्स विद इन द कंट्री। IIT बॉम्बे ने एक देसी रिसीवर चिप ध्रुव को विकसित किया है जिसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस में देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली पूर्णिमा जनाने पास्ड अवे, शी वॉज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट। हाल ही में पूर्णिमा जनाने जी का देहांत हो गया है, वो कौन से खेल से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए शूटिंग। शी हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मल्टीपल ISSF वर्ल्ड कप्स, एशियन चैंपियनशिप्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स एक्सेट्रा। शी वॉज ए नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एंड शी वॉज अवार्डेड विथ शिव छत्रपति स्पोर्ट्स अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। उन्होंने कई ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वे 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक थे। उनको महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज पार्टनर्ड विद द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम टू लॉन्च द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना को शुरू करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शन ए NHAI, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी ISRO, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी नीति आयोग। द प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड विद द इंटेंशन टू डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स अ लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ये योजना भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करने के इरादे से शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 जून, ऑप्शन डी 23 जून। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 23 जून। द ओलंपिक डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन 23 जून 1948। 23 जून 1948 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था। दोस्तों ये थे 23 जून के टॉप 10 करेंट अफेयर्स। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही करंट अफेयर्स और GK के क्वेश्चंस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इंडोर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विथ लर्निंग सिविल। थैंक यू दोस्तों।